गाइस अभी मेरा फ़ोन ठीक हो चुके आ चुका है। पापा ने स्क्रीन विन लगवा दी है, स्क्रीन विन नहीं लगी थी। अभी पापा अभी टीवी भी नहीं आई, पापा बाबा को लेके छोड़ के आएंगे तब लेके आएंगे टीवी भी। अभी बाहर भैया ने खाना खा लिया है, भैया बाहर खेलने जा रहे हैं, अब मैं भी खेलने जा रहा हूँ। अभी तक मैं सो रहा था, मम्मी ने जगाया, खा लेता खाना। हाय गाइस, अभी हमारी टीवी वापस से ठीक हो चुकी है, मतलब वापस से ठीक नहीं हो चुकी है, वैसे बोला जाए तो ठीक हो चुकी है, नहीं हुई, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बस देखो। तो हेयर स्टीव इतना साइड से देखोगे सही है भाई, डर जाओगे खराब है भाई। हाय गाइस, मेरे बाल थोड़े बिगड़े हुए हैं एंड अभी यहाँ पे भैया जो है लेके फोन चला रहे हैं, यही काम है इसके पास। टीवी यहाँ पे टीवी आने के जश्न के लिए बहुत सारा सामान, स्प्राइट, फ्रूटी और ये सब। जस्ट किडिंग गाइस, ये हमारे यहाँ पे एक अम्माई थी, वो हमारे लिए देखी गई, पता नहीं कि मैं कैरी नडी जैसी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक अम्माई थी, ये नहीं बोल टीवी के जश्न में गाइस इतनी सारी चीजें पार्टी करते करते खाएंगे और मस्त फुल मौज मजाएंगे। ऊपर एक टेम्पर लगा हुआ है तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, ऊपर का ग्लास टूट गया है बस, तो अंकल को दे देंगे, अंकल ठीक कर देंगे। ये मतलब वैसा कुछ नहीं लग रहा, नेटफ्लिक्स के बीच में जो लोगो आता है उसका, उसमें लाइन बनी रहती है, वैसा लग रहा है मुझे तो भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस पीछे की लाइट वगैरह जो है उनको इग्नोर कर देना प्लीज। एंड अभी मैं आलू छील रहा हूँ, विद नो रीजन मैं आलू छील रहा हूँ, क्योंकि हमें मतलब फ्राइज़ खाने हैं, मुझे फ्राइज़ खाने का मन कर रहा है रात के टाइम पे 10-11 बजे। मैं अभी बाहर जाने का तो किसी में तम नहीं है, रात के टाइम पे कौन जाए बाहर, इसलिए अभी मम्मी ने मुझे दिया है आलू छील एंड इट इज़ अ चैलेंज। आलू छील के दिखाओगे तो जल्दी मिलेगी, जल्दी आलू छील के दिखाते हो कि नहीं, काम करते तो हो नहीं, मैं पता कैसे लेगा, काम कैसे करते हैं, मुझे सब पता है, देखती हूँ। तो मम्मी का एक तरीके से चैलेंज है, छील के मुझे दिखाया, 20 रुपए दूंगी तुझे, 20 रुपए नहीं, 40-50 ऐसे नहीं। तो एक बार तरीका बताऊंगी, ऐसे छिलते हैं इसको, ऐसे तिरछा रखते हैं, जब ऐसे से आता है। कितनी जल्दी छील रही हो गाइस, ये भी एक कला है, कला कला है भाई, कला आज मता कला गाइस, ये कला है, इस कला को करने के लिए कला चाहिए, इसलिए ये कला के लिए कला चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा, ऐसे रख के ऐसे, ओ वो है अभी भी इसमें है, अबे कई बार तो आलू ही कट जाता है, उसकी स्लाइसेस की परत की जगह स्लाइस कट जाती है। इट इज़ डन, अब दूसरा पूरा मोटा आलू लेंगे। ओह मिशन पास, रिस्पेक्ट, मिशन पास, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करो मेरी। टन 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 टन, लेकिन मम्मी जैसी स्पीड तो अभी भी नहीं है। थोड़ी देर में आ जाएगी। गाइस सेफ्टी प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे। चने कितने फैला रखे हैं, कितने सारे, भैया से बोलो भैया समेटेगा, समेटो, चिल्लाएंगे पापा, भैया से बोलो भैया कुछ काम नहीं करता, सारे काम मैं ही करता हूँ और क्यों। मैं तो काम करवाता हूँ घर के, आई एम संस्कारी लड़का। आलू ही छूट गया मेरे, क्या गुंडा बनूंगा मैं। आलू काट दिया मैंने।
इजी ब्रो, इजी पीजी। भाई सब ये सब तो चीज़ें ही होती हैं शार्प, इनसे आप बच्चों की तरह ना खेले, मम्मी से ही करवाएं आप ये काम। मेरी मम्मी टीवी लेके बाहर कर दे। गाइस चने फैले हुए हैं पूरी तरफ, गंदगी हो रही है भाई, गलती से भी ऐसे फैल गया था, भाई आएगा अचार पड़ी हुई है, फिर को आने वाले पापा आने वाले हैं, यही सहेंगे, देखना ये मज़ा आएगा, जश्न होगा। तो पैर में आएगी सही हो गई भैया ने फैलाया है, भैया ने आलू छील रहा हूँ। आलू छीला? हाँ। तो चने ऐसे खाए? देख पड़ रहा था, अभी ये खा रहे चने। नहीं भैया ऐसे खाते हैं? किताब कहाँ पड़ी हुई है, क्या कहाँ घुस रही है किताब? ये ढक्कन इधर पड़ा है, कैप इधर पड़ा है, पेन इधर पड़ा है, कौन भाई? मार पड़ेगी तुम्हारी, मार बहुत मार पड़ेगी, तुम बहुत वो करते हो। तुम्हारी मम्मी रोज शिकायत करती है मेरे से, इतनी बार गाय की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मेरे को। अभी साफ तो कर ले, कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला।